मंत्री जी, आज आपने एक बड़ा बयान दिया है कि आप जो है 24 तारीख से जो है आप धरना करने जा रहे हैं। हाँ, 27 आरक्षण को लेकर धरना करने जा रहे हैं, क्या है पूरा आपका? देखिए, 2017 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी से जो गठबंधन में तय हुआ है, उस आधार पे सरकार बनने के बाद 27% आरक्षण की जो सामाजिक न्याय समिति माननीय राजनाथ सिंह जी ने बनाई थी, तीन कैटेगरी बनाने की जो सिफारिश थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसको लागू करने की बात तय हुई। फिर 20 मार्च को दिल्ली में अमित शाह जी ने कहा कि चुनाव के 6 महीना पहले हम लागू कर देंगे। फिर 11 अप्रैल को जब लखनऊ आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं था, प्रदेश के अध्यक्ष थे भाजपा के, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राणा अजीत प्रताप सिंह जी थे। ये तय हुआ कि 6 महीना पहले हम कर देंगे, आप मत कुछ बोलिए। हम नहीं बोले उस पर, कुछ और बहुत सी चीज़ें तय हुई थी, उसमें एक भी काम नहीं हो पाया। तो इधर अब तो मार्च के पहले सप्ताह तक सूचना जारी होने जा रही है और दिसंबर का आखिर सेकेंड वीक चल रहा है, आधा दिसंबर बीत गया, 2 महीना और बचा है। तो ऐसा प्रतीत होता है जो अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी की जो रिपोर्ट आई हुई है, वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखने की तैयारी है। इस बात को लेके 24 दिसंबर से क्रमिक अनशन उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, जो अति पिछड़ा सामाजिक कमेटी की रिपोर्ट है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसको लागू करने के लिए क्रमिक अनशन भारतीय समाज पार्टी 75 जिले में शुरू करने जा रहा है। यानी आप मानते हैं कि जो दलितों के, खुद करेंगे या पार्टी करेगी? भारतीय समाज पार्टी के तरफ से है, जरूरत पड़ेगी तो मैं भी उस आंदोलन में रहूंगा। जी, जिस तरीके से 3 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, किस तरीके से आप देखते हैं इन चुनाव परिणामों? देखिए, राजस्थान का तो वहां की जनता का एक अलग मिजाज है, एक बार कांग्रेस को, एक बार भाजपा को, तो इस बार नंबर कांग्रेस को रहा है और जनता ने कांग्रेस को भेजा। मध्य प्रदेश के चुनाव में 0.5% वोट ज्यादा पाए, 5 लाख से ज्यादा नाराज लोगों ने नोटा दबा दिया, जिसकी वजह से हार हुई। और नोटा दबाने का कारण था जो SC ST एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमा पंजीकृत हो जांच के बाद। उस बात को मायावती जी ने भी कहा था कि CO की जांच के बाद SC ST का मुकदमा पंजीकृत हो, जो दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोष है उसको न फंसाया जाए, ये बात। लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जो पुराना यथावत था उसको बहाल कर दिया कैबिनेट से, उसको लेकर पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गुस्सा था और मध्य प्रदेश में काफी देखने को मिला, उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। दूसरा, जो UP के CM साहब ने हनुमान जी को दलित बता दिया, इसका भी गुस्सा था।